आदि गणेश शिवनायो मोहिदेवा, 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 आदि शाही दरबार लेकर उस आवाज को तुहाडे रूबरू पेश करन जा रहे हैं कि जिन्होंने पंजाब हरियाणा हिमाचल बड़ी बड़ी दूर तक मां भगवती के अनेका ही जागरण किए ने, कहते ने कि किसी को सुर देती है किसी को साज देती है, कि किसी को सुर देती है किसी को साज देती है, जिसमें हमारी अपार कृपा उसे सुंदर आवाज देती है। माइक पे सदा दे जा रहा जलंधर दी शान बड़े अच्छे गायक बड़े अच्छे कलाकार जनाब सुमित शर्मा जी, शर्मा जी दिवाली जितनी भी संगत मेरी बहनें मेरी माताएं मेरे भाई बुजुर्गन सेवा समिति होशियारपुर आत्मा वार्षिक महोत्सव श्री बालाजी के चरणों में बहुत भाग्यशाली हैं कि बालाजी के चरणों में हमें हाजिरी जाने का मौका मिला है। मेरे से पहले श्री राजेश प्रभाकर जी जिन्होंने दरबार में हाजिरी भरी है, तो दरबार में बालाजी के चरणों में मैं तहे दिल से आभारी हूँ सेवा समिति होशियारपुर और श्री बालाजी मित्र मंडल रजिस्टर जालंधर जिनके बालाजी के चरणों में भव्य दरबार आज सजाया है और बालाजी को आज होशियारपुर में बुलाया है। जिन जिन भक्तों को बालाजी के दर्शन हुए हैं एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोलो बालाजी महाराज की। ये ऐसा अलौकिक दरबार महामाई के चरणों में हाजिर करने का मीनिंग कुछ और है, बालाजी के चरणों में हाजिर भरने का नजरिया कुछ और है। क्यों? इरादे लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, इरादे लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, अरे मेहंदी बोल तो वही जाते हैं जैसे मेरे बालाजी आप बताते। बहुत भाग्यशाली हैं कि बालाजी ने अपने चरणों में हमें हाजिरी भरने का क्षण हाजिरी भरने का वो टाइम पक्ष है। तो आइए और हमारे साथ गुरु महाराज जी भव्य दरबार में विराजमान है, कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि नमन। तो सबसे पहले दरबार में गणेश आराधना उसके बाद बालाजी के चरणों में मैं हाजिर रखूंगा जी।
सारम श्री भुजेंद्र हरम हरम सदा वसंतम हृदयाल बिंदे आज गणेश
सभी कट जाएंगे, ये तो संकट के काटन हार है। बालाजी का नाम लेने से ही संकट कट जाते हैं, क्यों कि संकट कटे मिटे सब वीरा जो सु मिले हनुमत बल वीरा। बोलो बालाजी महाराज की। कि मैं जब भी डूबने को होता हूं
तो मुझे समुंदर उछाल देता है, उछाल देता है। जो अपने गुरु मुर्शिद के ऊपर यकीन रखते हैं, जो प्रभु श्री राम जी के ऊपर यकीन रखते हैं, जो बालाजी के ऊपर यकीन रखते हैं, वो कभी डूबते नहीं है। कि ना जाने कौन कहां बैठ कर मेरे हक में दुआएं पढ़ता है, ना जाने कौन कहां बैठ कर मेरे हक में दुआएं पढ़ता है। ये मैं जब भी डूबने को होता हूं, मुझे समुंदर उछाल देता है। जो अपने गुरु मुर्शिद के ऊपर यकीन रखते हैं, वो कभी डूबते नहीं है। क्यों मेरे बालाजी सरकार, जिन्हें रखिया तेरे ते बाबा डोरा ओता कदे टोलते नहीं। जिन्हें जिन्हें भक्तों ने, जिन्हें जिन्हें मेरी भैन ने, जिन्हें जिन्हें मेरे फिर बुजुर्गों ने अपने जीवन के दौरा बालाजी के सुपुर्द कितिया ने, प्रभु श्री राम जी के सुपुर्द कितिया ने, और सियावर रामचंद्र महाराज की पावन सुधरमा ने की। क्योंकि प्रभु श्री राम जी के चरणों में आज प्रभु राम के नाम की लूट है, कि प्रभु राम के नाम की लूट है। लूट सके तो लूट, अरे अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। फिर बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की पवन सुधरमान की। प्रभु श्री राम जी के साथ हनुमान जी को क्यों जोड़ा जाता है, रीजन है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के साथ अगर हनुमान नहीं होते तो राम जी के पूरे कभी काम नहीं होते। ये सारे संसार की रक्षा श्री राम जी करे और श्री राम जी की रक्षा खुद हनुमान जी करे। बोलो बालाजी महाराज की जयकारे, वीर बजरंगे हर हर महादेव। क्योंकि दरबार में मेरी बहनों से, माताओं से, भाइयों से, बुजुर्गों से बेनती है, ताली सभी लगानी है बालाजी के शरणों में, और मिलकर सभी ने कहना क्या है। ओ चलो दर्शन को मेहंदी पूरी चलिए, पूरी चलिए, यहाँ बालाजी का दरबार है, दरबार है। तेरे संकट सभी कट जाएंगे, कट जाएंगे, ये तो संकट के काटन हार है। आपके मन में होना यही चाहिए, संकट कभी मेरे बालाजी सरकार आने नहीं देते। जो बालाजी के चरणों में सच्चे मन के साथ बैठे हैं, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से सभी से बेनती है, सभी ने तालियों 1 2 3 4 चलो दर्शन को मेहंदी पूरी चलिए, चलो दर्शन को मेहंदी पूरी चलिए, यहाँ बालाजी का दरबार है। तेरे संकट सभी कट जाएंगे, ये तो संकट के जाएंगे।
जो संकट कटवाना चाहते हैं, जो बालाजी के चरणों में हाजिर करना चाहते हैं, दोनों हाथों को खड़े करके सुनिए। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम जय जय 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 राम सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। चलो जय शनि को Yeah!
दरबार में आऊंगा मेरे बालाजी सरकार, मंगलवार को भी तेरे दरबार में आऊंगा, लेकिन मंगलवार के रो है शनिवार के रो है, मंगलवार के रो है शनिवार के रो है, साचा साचा बालाजी मंगलवार 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 के रो है। प्रभु श्री राम जी के सुपुर्द की है, जो भव सागर से पार लगना चाहता है, दोनों हाथों को उठाकर सभी के तालियों के साथ, सभी मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, बुजुर्गों ने, जो फॉरमैन थी कहते बिल्कुल ताली मत लगाना भाई, जो बालाजी के चरणों में हाजिर होना चाहता है ना, जो दोनों हाथों को उठाकर तालियों के साथ सभी ने। इंसान को एक दरबार में राम नहीं आता भाई, लेकिन गुरु एक ही होता है। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की। लेकिन आजकल का इंसान, कलयुग इंसान क्या कहता है परमात्मा को, क्या कहता भाई, अपन जब कहता अपन ही कहता हूं। लेकिन अगर इंसान को परमात्मा की जरूरत है तो परमात्मा को भी इंसान की जरूरत है। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। लेकिन अगर आजकल का कलयुगी इंसान कहे कि मैं बड़ा तो वो धरती पर क्यों खड़ा, अगर आजकल का कलयुगी इंसान कहे कि मैं बड़ा तो वो धरती पर क्यों खड़ा, अगर ये धरती कहे मैं बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी, अगर शेषनाग कहे मैं बड़ा तो वो भोलेनाथ के गले में क्यों पड़ा, अगर भोला शंकर कहे मैं बड़ा तो वो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा, अगर ये कैलाश कहे मैं बड़ा तो वो रावण के हाथों में क्यों पड़ा, अगर रावण कहे मैं बड़ा तो वो बाली के हत्थे क्यों चढ़ा, अगर ये बाली कहे मैं बड़ा तो श्री राम जी के हाथों क्यों मरा, और अगर श्री राम जी कहे मैं बड़ा तो होशियारपुर वालों के पीछे क्यों पड़ा। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। पवन स्थान मान जो प्रभु श्री राम जी के चरणों में हाजिर बनना चाहते हैं, दोनों हाथों को उठाकर, जो मेरे बाला जी के दरबार में बजाएगा ताली वो 12 महीने मनाएगा दिवाली, दोनों हाथों को उठाकर सभी ने, सभी मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने ताली बजा कि राम राम जी राम राम हो, राम राम जी राम राम जी राम 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 जी राम राम जी राम 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 राम
बालाजी के नाम में सभी ने कि राम राम 101 पर राम राम 101 पर।